दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में कार जैसे ही टर्न हुई, दो बाइक्स पर सवार चार लुटेरों ने रास्ता रोक लिया। एक बाइक कार के सामने खड़ी हो गई और दूसरी ने कार को लेफ्ट साइड से ब्लॉक किया। दोनों बाइक्स के पिलियन राइडर एक साथ उतरे। एक ने पिस्टल दिखाते हुए ड्राइवर साइड की गेट खोली और दूसरे ने कार की लेफ्ट साइड का पिछला दरवाजा खोला। कार की पिछली सीट से कैश से भरा बैग निकाला और चारों लुटेरे जितनी तेजी से कैमरे के फ्रेम में आए उतनी ही तेजी से हवा हो गए। इसी के साथ हवा हो गया 72,934 जवानों वाली दिल्ली पुलिस का इकबाल, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स माना जाता है। पूरी वारदात को अंजाम देने में लुटेरों को सिर्फ 17 सेकंड लगे, लेकिन इन्हीं 17 सेकंड्स ने पूरी दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को सवालों वाले कटघरे में पहुंचा दिया। इसकी वजह बताएंगे, पहले विक्टिम्स और क्राइम से जुड़ी ये इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखिए। जिस कार में लूट की वारदात हुई उस पे पटेल साजन कुमार और उसका दोस्त जिगर पटेल सवार थे। साजन चांदनी चौक की एक फर्म में डिलीवरी एजेंट है। साजन ने ये ऐप बेस्ड टैक्सी लाल किले के बाहर से हायर की। दावा है कि बैग में करीब 2 लाख रुपए थे। ये रकम गुरुग्राम में किसी के पास भेजी जा रही थी, लेकिन जैसे ही इनकी कार प्रगति मैदान टनल के भीतर घुसी, दो मोटरसाइकिल्स पर सवार चार बदमाशों ने बैग लूट लिया। इसी के साथ लुटेरों की जुर्रत और पुलिस की नाकामी दोनों एक साथ कैमरे में कैद हो गए। इस वक्त हम उसी टनल के पास खड़े हुए जहां पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। दरअसल ओमिया इंटरप्राइजेज में काम करने वाले साजन कुमार अपने एक साथी के साथ चांदनी चौक से गुरुग्राम के लिए निकले थे। उनके पास कुछ कैश भी मौजूद था और जैसे ही गाड़ी यहाँ इस जगह पर पहुंची, यहीं पर गाड़ी को बदमाशों ने रोक लिया। दो बाइक पर चार बदमाश मौजूद थे, उन्होंने गाड़ी को रोका, पिस्तौल दिखाई और जो बैग उसमें रखा हुआ था उसको यहां से लूट कर बदमाश जो थे वो फरार हो गए। और ये पूरी की पूरी जो वारदात थी प्रगति मैदान में टनल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें ये पूरी वारदात कैद हो गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन अभी तक बदमाशों के बारे में पुलिस कोई भी सुराग नहीं पता कर पाई है। दिल्ली में लूट कोई नई बात नहीं, खास है लूट वाली जगह, क्योंकि ये वारदात ऐसी जगह पर हुई जहां से राष्ट्रपति भवन महज 5 किलोमीटर दूर है, प्रधानमंत्री का आवास 5.5 किलोमीटर की दूरी पर, नई संसद 5 किलोमीटर दूर, सुप्रीम कोर्ट 3 किलोमीटर और दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। दिल्ली को डराने वाली ये लूट उसी 1.6 किलोमीटर लंबे हाईटेक टनल में हुई जिसका पिछले साल धूमधाम से उद्घाटन हुआ था और सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए। लूट के बाद एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने वहां के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का जायजा लिया। हम प्रगति मैदान टनल के अंदर आ चुके हैं, आप तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरह से काफी ज्यादा लाइटें यहाँ पर मौजूद हैं, काफी ज्यादा उजाला, काफी ज्यादा रोशनी यहाँ पर है और सीसीटीवी कैमरे भी कई जगहों पर आपको साफ तौर से नजर आएंगे। तो इन सब के बावजूद दिल्ली में दिन दहाड़े इस तरह की घटना दिल्ली पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। हाईटेक टनल में सिक्योरिटी के हाईटेक अरेंजमेंट, फिर भी लूट हो गए, ये हैरत की बात है। लुटेरों को तलाशने का दावा कर रही पुलिस फिलहाल खामोश है, लेकिन इस पर राजनीति का चैप्टर खुल चुका है। पहले केजरीवाल ने ट्वीट किया, उपराज्यपाल को इस्तीफा देना चाहिए और किसी ऐसे के लिए जगह खाली कर देनी चाहिए जो दिल्ली के लोगों की सुरक्षा का इंतजाम कर सके। अगर केंद्र सरकार दिल्ली की सुरक्षा नहीं कर सकती तो हमें सौंप दे, हम दिखाएंगे कि नागरिकों के लिए किसी शहर को सुरक्षित कैसे बनाया जाए। आम आदमी पार्टी के बाकी नेता भी उपराज्यपाल के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी उन्हें आईना दिखा रही है। देखते थे कि ऐसी डकैती चंबल की घाटियों में होती थी जहां पे गोली दिखाकर, बंदूक दिखाकर, कनपट्टी पर बंदूक रखकर लोगों को लूट लिया जाता था। आज चंबल जैसी डकैती दिल्ली में खुलेआम हो रही है। जो एलजी साहब की संवैधानिक जिम्मेदारी है दिल्ली में पुलिस व्यवस्था को देखना, दिल्ली में कानून व्यवस्था को देखना, उसके लिए एलजी साहब के पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। तो अगर एलजी साहब से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभलती है तो एलजी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो घटना एक दुखद घटना है, उन अपराधियों तक पुलिस बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, किसी की खैर नहीं। देखिए, अगर इस आधार पे इस्तीफा होता है तो इस समय अपराध का NCRB आज का देख लीजिए, सबसे क्राइम रेट बड़ा कहीं का है तो पंजाब का। अरविंद केजरीवाल जी, जरा सा इस्तीफा दिलवा दीजिए पंजाब से।